दौड़ना भी चाहता था। उस बात को उन्होंने अपने नाजिल आयात के दरमियान कही वो ये कि आज सारी दुनिया में मुसलमान दुनिया की आबादी के तनाशा एवरेज के एतबार से दूसरे सबसे ज्यादा तदादी के एतबार से दूसरे नंबर का और अमल के एतबार से जिसे प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन कहा जाता है जिसे प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन कहा जाता है अमल के एतबार से मुसलमान नंबर एक। मुसलमान नमाज का भी पाबंद है, रोजे का भी पाबंद है, हज का भी पाबंद है, ज़कात का भी पाबंद है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम का भी पाबंद है, सुन्नतों पर भी अमल कर रहा है, सुन्नतों के नाम पर दावतें भी दी जाती है, बुलाया भी जाता है, ले जाया भी जाता है, कुछ मर्जी से जाते हैं, कुछ जबरदस्ती से ले जाया जाता है। इस सिलसिले में सारी दुनिया में जारी बहुत सारे इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आखिर क्या वजह कि मुसलमान बस्ती और जवाल की तरफ जाता है। कभी आपने सोचा वो जमाने में मुअज्जज के मुसलमान होगा और कुफार के तारीख कुरान शायद मालिक कहते हैं कि पिछले जमाने की तो उम्मत पिछले जमाने की बोले क्या था इस रात को सलाम की उम्मत वो बड़े मुअज्जज थे बड़े मुकर्रर तदाद में कम थे लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी हैबत के जरिए उनकी ऐसी मदद फरमाई कि जहां जाकर इस्लाम का परचम रहा जहां जाकर आकर इस्लाम को कलाम को मोहब्बत के तराने का जहां जाकर मोहब्बत और उफ्फत का तर्ज दे जहां जाकर मसावात की तालीम दे जहां जाकर इंसानियत का तर्ज दे जहां जाकर बिलकती हुई इंसानियत की मदद कर कोई भूखा होता है उसे खाना खिला कोई बीमार होता है उसकी दवा का इंतजाम करते कोई मकरूज होता है उसकी कर्ज की अदायगी के अजबाब करते कोई परेशान हाल होता है उसकी परेशानियों को दूर करते ये मुसलमानों की पहचान। मुसलमान लोगों की इमदाद गरीबों की मदद करते भूखों को खाना खिलाते और जो सबसे बड़ी पहचान वो ये कि वो अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता कि ऐ महबूब आप इनसे कह दीजिए खुद इनको तुम अल्लाह कि ये जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा है मुझे कहने की जरूरत नहीं आप ही शऊर अल्लाह की अक्ल को फहम को सलाम आमीन। ये तो हमारी कामयाबियों की इब्तिदा है हुजूर आगे जाके देखिए क्या क्या होगा। अभी तो सुन्नी मुसलमान जा रहा है अब तक तो मोहलत पर मोहलत दी जा रही है लेकिन तब तक मोहलत दी जाती जैसे बिरादरी आगे बाहर में अपने खिताब के दौरान तुम हमें कुछ कह लो हम कुछ नहीं हम माफ तुम हमारी इज्जत बढ़ा डालो हम तुमको माफ कर देंगे तुम्हारी